रुकना रुकना, दो मिनट रुकना, बस आ रहा हूँ मैं। दो मिनट डॉली डॉली। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई क्या गड्ढे की क्या है, धूल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर सोनिक वंस अगेन। तो गाइस दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अपने दोस्त मनीष से मिलने जा रहा हूँ, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है मुझे उससे। तो मैं सोचा कि ना ब्लॉग भी बना लिया जाए और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। ट्रैवल ब्लॉग जो है हर संडे को आते ही रहता है, लेकिन मैं सोचा था क्यों ना जो खाली टाइम बचा रहता है, मतलब सिटी वगैरह जाता हूँ तो वहाँ के भी सिटी ब्लॉग्स मैं, मतलब जब भी टाइम मिले हफ्ते में एक बार वगैरह मैं डाल दिया करूँ। वही रीज़न से मैं आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ भाई बोलना, बस आ रहा हूँ। तू कहाँ पर है? डॉली के सामने। डॉली। हाँ बस आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। तो मनीष भाई आ गए, अपने डॉली की टपरी के पास रुका है मनीष। तो देखते हैं, 2 बज रहे हैं वैसे। नींबू पानी इतने में आ गए एक्सप्लोर सोनिक। यो भाई, एक्सप्लोर सोनिक भाई का गोप्रो आज जितना भी शॉट घर से निकलते हुए वीडियो बने हैं पूरा डिलीट हो गया है, क्योंकि इसके गोप्रो में स्पेस ही नहीं था और ये घर से ऐसा बक 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 करते हुए निकला। पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई, पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई। बीच में एक एक्सीडेंट भी हुआ। ये दूसरा एक्सीडेंट, ये साला पनौती है क्या एक्सप्लोर? देखो गाइस मोबाइल गिर गया, ये दूसरा है। तो भाई बात ये है कि मतलब स्टोरेज फुल था मेरा और मैंने कुछ तो चेक नहीं किया। संडे को चेक करते हैं अपन, आज कुछ चेक नहीं किया। मैंने बोला ऐसी ब्लॉग बना लेता हूँ। रास्ते में एक से एक भयंकर एक्सीडेंट हुए, कुछ बातें पूरा बक बक करते हुए आ रहा हूँ और यहाँ आके पता चलता है कि भाई ये ब्लॉग बनने के बाद में भी 2 महीने लगेंगे इसको आने को। भाई 2G है भाई एडिटिंग के मामले में अपना। तो भाई स्टोरेज फुल था तो यहाँ आके फिर अभी मनीष भाई से मिल रहा हूँ। फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ। तो बराबर रहेंगे। तो वह जा रहे अभी चाय पीते डॉली की टपरी पे, अपना मनीष भाई भी है साथ में। यस yes. आज की पार्टी भाई की तरफ से। डॉली 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 है। हो गया भाई। डॉली भाई हाय कर दो बस एक बार। रेडो हाय। यो यो स्टाइल देख लो डॉली भाई का सबसे पहले। रफ्तार की बात है बस और कुछ नहीं। वैसे तो बहुत बार हमने चाय वगैरह पिए हैं, मतलब बहुत पहले से कॉलेज के टाइम से ही पी रहे हैं, लेकिन जब से ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की डॉली भाई को अब से मिलाया नहीं है। तो आज मिलो हमारे नागपुर के डॉली भाई से। एकदम झटके के साथ चाय है अपनी। 9 महीने वेट नहीं करना पड़ता डायरेक्ट। अगर साथे बोलते कि चाय का टेस्ट पसंद नहीं आता करके, जी हाँ, तो आप इम्प्रूवमेंट करोगे कुछ चाय में? बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी चाय अच्छी है। हाँ। कुछ मैं खुद अपने मुंह से बता रहा हूँ कि मेरी चाय अच्छी है। हाँ। काका चाय कैसी है? एक नंबर। तो कुछ पूछ के बता रहा हूँ। और मतलब हमेशा जिंदगी भर यही पे रहने का विचार है कि कहीं और ऐसा मतलब फ्रेंचाइजी खोलने का विचार है? जैसे MBA वाला है। बिल्कुल नहीं खोलूंगा फ्रेंचाइजी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो चैनल इनका भी है तो ये ऐसा अभी सभी को फुटेज नहीं दे रहे, तो बातचीत करके अच्छे से प्यार से वीडियो लो। कोई लोग आते हैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो कंट्रोवर्सी आप लोग ऐसा सोचो मत कि, क्योंकि जबरदस्ती किसी का नाम खराब मत करे। डॉली भाई ने बोले कि चाय का टेस्ट ऐसा ही रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बस फालतू कंट्रोवर्सी जो करते हैं भाई मत करो। और नागपुर वालों को चाय पसंद है इसलिए आ रहे ना चाय पीने के लिए। और डॉली भाई की स्टाइल तो अलग ही। ऐसा यूट्यूब वगैरह अभी आया लेकिन हम तो सालों से चाय पी रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है चाय वगैरह में और ना डॉली भाई में कोई दिक्कत है।
सब बढ़िया चल। ये सब होने के बाद में आप मतलब आपका मतलब जैसे यहाँ से निकलने वक्त में क्या करते हैं? घर जाके आराम करते हैं बस। ज्यादा करके तो है ना साउथ की पिक्चर देखने का ज्यादा वही होता है। मैं ज्यादा करके साउथ की मूवी देखता हूँ। जैसे कि अभी एक हफ्ते पहले नानी जी आए थे साउथ के हीरो, मेरे को तो यकीन नहीं हुआ था और मैं पहली बार लाइफ में इतना नर्वस हुआ था। वही इतने इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पे। Yes. नागपुर अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि नागपुर या नागपुर में रहने वाले जैसे डॉली भाई पहले से फेमस है, वैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स भी जो वाले भी तो आप लोग हो। यस तो छोटे मोटे क्रिएटर्स भी मैं चाहूंगा कि जल्दी ग्रो हो जाए, जैसे हमारे मनीष भाई वगैरह भी है। बिल्कुल, इनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टाउन से अपलोन एंड टाउन पी टाउन का शाइन साइड मिलने वाले हो क्या? एक्सप्लोर सोनिक नाम से कुछ चैनल अपना और अपने एक्सप्लोर करते रहते हैं। आपके नाम पे इतने डिफिकल्ट है हो ना कि जवान भी नहीं आ रहे मालूम है क्या? जैसे कि देखो डॉली फटाक से जवान पे आ जाता है। डॉली डॉली नाम भी इतना डिफिकल्ट रखा गया। आजा डॉली भाई जवान पे आता है। कुछ बोलो मेरी पब्लिक के लिए। देखो हाय गाइस, निखिल भाई है मेरे वाले और इनका एक ट्रैवलिंग का काम है तो प्लीज मेरी खातिर इनको थोड़ा सपोर्ट करिए। मेरी खातिर डॉली भाई की खातिर आपको सपोर्ट करना है, मतलब करना है। तो दोस्तों अभी यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं और कुछ काम है वो काम करते हैं। मनीष भाई के साथ जा रहा हूँ मैं। डॉली भाई का आखिरी सवाल, जैक स्पैरो क्यों बुलाते हैं? अरे बाबा ये देखो, ये जो मेरा फेस है ना यो काफ़ी उनसे मिलता है और पहले मेरे बाल यहाँ तक थे। यस, और मेरे आँखों पे जो काजल लगता है ना बिल्कुल वही बिल्कुल सेम वैसे यूज करता हूँ मैं। नहीं नहीं स्मार्ट लगते हैं। थैंक यू सो मच। चलो 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 भाई, क्यूटी भाई बाय बाय। डॉली भाई बाय, दिल से एक बार बाय। चलो भाई कुछ काम भी करना है। फर्स्ट टाइम पास में काफ़ी टाइम हो गया डॉली भाई के पास। अभी यहाँ से निकलते मनीष के साथ जाते कुछ खाते पीते और फिर आपको बताता हूँ आगे का प्लान क्या है। आज का ब्लॉग मजे में भाई डेली ब्लॉग ही बन गया भाई मेरा। तो गाइस आज ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं घर से निकला हूँ, फुटेज वगैरह नहीं मिले, लेकिन उसके बदले मुझे फ्री की कॉफ़ी, फ्री की चाय, फ्री का खाना सब मिल रहा है, वो भी मनीष भाई के भरोसे। भाई कितना झूठ बोल रहा है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ खाना पीना करते हैं। अभी खाना पीना तो बोले तो वही बर्गर और मोजी तो हो गए और उसके बाद में हम बर्तन मोई तो नहीं भाई बर्तन माच तो बोल रहा। अबे वर्जिन मोई तो है, वर्जिन ही खिला रहे। देखो भाई इसको लग रहा हूँ वर्जिन है लेकिन खुद साला वर्जिन है। तो मैं एक बात बता दूं, ये अपना एक्सप्लोर वाले ब्लॉग तो बहुत आते हैं लेकिन आज पता नहीं क्यों फनी ब्लॉग और डेली ब्लॉग जैसा हो गया। तो वैसे मैं बता दूं, अगर मैं सीरीज चालू करता हूँ सिटी ब्लॉग्स की, मतलब डेली तो नहीं कर सकता हूँ मैं, अगर सिटी ब्लॉग्स की अगर सीरीज चालू करता हूँ मतलब एक्सप्लोर की वीडियो भी आपको नहीं क्या हफ्ते में एक दिन संडे मिल जाएंगी लेकिन बीच बीच में ये भी वीडियो आएंगी तो अपना इंटरेक्शन अच्छा बन पाएगा। तो मैं अपने कुछ खास दोस्तों को आपको मिलाते रहूँगा, आपको याद रखना है बस। तो ये मेरा दोस्त है मनीष डायरीज करके, इसका यूट्यूब के ऊपर चैनल है, बहुत प्यारा बच्चा है कदी जेर, और ये अनिमेश है हमारा दोस्त। फिलहाल ये दो बंदों को याद रखो आप, बाद में जो ग्रुप वगैरह में आते सबसे मिलाते रहूंगा धीरे धीरे। ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। कैसा है भाई? भाई राइट वे टू ईट फ्रेंच फ्राइज डालो। ये कुछ ना ही खा रहे देखो। तो दोस्तों ये इसने मेरे को कुछ आइडिया बताया, मैं इसको खा के देखता हूँ कैसा है। काफी वाई गया था। तो दोस्तों अभी मुझे जैसे गोप्रो में दिख रहा है कि बैटरी 7% बची है तो मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ एक्सप्लोर सोनिक और मनीष भाई। मनीष डायरीज को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें गाइस, डेली ब्लॉगिंग करता है बंदा। बाय बोल दे। बहुत अच्छा है। बाय बाय। तो दोस्तों मनीष डायरीज को मुझे टाटा कह जो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो में। टाटा बाय बाय।